फ्राइडे के दिन की सारे रिचुअल्स टाइम पे अदा करने के बाद अपने टूल्स के साथ रेडी होकर के निकल जाता हूँ एक न्यू व्लॉग शूट करने के लिए। 2 घंटे की लंबी जर्नी के बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपनी शूटिंग प्लेस पे जहाँ पे आज मेरा व्लॉग शूट करना था। अब आगे। हाँ जी, तो क्या हाल है? आज की कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। तो हम अभी घूमने आए हुए हैं एक जगह पे, तो थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो आगे बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, हमारे लिए वही एक मोटिवेशन है। आपको पूरा कोलकाता घुमाने की जिम्मेदारी हमने ले ली है। मैं नहीं मानता। बहुत सारे चीज हमने घुमा दी है और बहुत सारा चीज आपको घुमाना बाकी है। ओके। जी, तो हम हैं अभी स्मार्ट प्लाजा में। ये है स्मार्ट प्लाजा की एंट्री। और हाँ, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ ये एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और काफी मस्त जगह है ये। मुझे खोजते खोजते ये जगह एक मिल गया जो सॉल्ट लेक में था, तो सोचा कि मैं यहाँ के भी ब्लॉग क्यों नहीं बना लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है यार। मैंने यहाँ के काफी सारे वीडियोस देखे थे और हाँ, मेरे लिए एक बहुत बुरा ये है कि मुझे किसी चीज के भी जब आइडिया आता है ना तो वो वीडियोस देख करके ही आता है। कोई नहीं, देख देख के ही तो आदमी सीखता है। तो मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ और अभी आपको मैं यहाँ का पार्क घुमाता हूँ। यहाँ पे हर तरफ में बहुत सारे गार्डनिंग किए हुए हैं, गेड़ा लगाया हुआ है। यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए है, तो अच्छा खासा खूबसूरत यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं और हम लोग चलते हैं आगे। इस साइड पूरा हरियाली है, अलग अलग तरह के पेड़ लगाए हुए हैं, बट ये ग्रीन वाले एरिया में हम लोग नहीं जा सकते हैं। हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, तो इस तरफ कुछ इस तरह का शेड टाइप का दिया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और सामने में ही विश्व बांग्ला है, तो विश्व बांग्ला में कुछ लोग हैं जो शायद लंच कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग नज़र भी आ रहे हैं, तो कोई ना, उनको अपना काम करने देते हैं। चले तू, हम लोग देखते हैं आगे में और क्या है। और जो है ना, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, बहुत बड़ा एरिया ही बनाया गया है, बट जितना भी बनाया गया है अच्छा खासा खूबसूरत बनाया गया है। हाँ जी, तो थोड़ा ज्ञान की बात भी कर लेते हैं। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं, ये है विश्व बांग्ला के एकदम करीब में, आपको सामने में विश्व बांग्ला दिख भी रहा होगा। यहीं से भी बस लेकर के आप बोलिएगा विश्व बांग्ला, तो विश्व बांग्ला आपको छोड़ दिया जाएगा और यहाँ आप आ सकते हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं मेट्रो को, तो यहाँ पर तीर्था मेट्रो स्टेशन है, बगल में ही है। 400-500 मीटर होगा, किलोमीटर नहीं होगा। सुबह 5:30 बजे ये खुल जाता है और रात को बंद होता है 8 बजे। हम लोग गेट से निकल गए हैं बाहर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुए यार। बाहर का नजारा तो पूछे ही मत। तो रहन दो फिर। सामने है विश्व बांग्ला और हम लोग अभी चलना है कहाँ? वॉकिंग स्ट्रीट। वॉकिंग स्ट्रीट कहाँ पे है? तो वॉक करते करते हम लोग उसका भी पता कर ही लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं है। फाइनली अपने इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। मैं सामने जो ब्रिज दिख रहा हूँ, तो उस ब्रिज के नीचे में मुझे कुछ पेंटिंग्स किए हुए नज़र आ रहा है। तो उम्मीद हो रहा है कि वही ब्रिज है, वही वॉकिंग स्ट्रीट है जिसमें हम लोग को चलना है। और पिछले 2 घंटा से इस स्ट्रीट पे चल रहा हूँ, ये भी वॉकिंग स्ट्रीट है बट वो स्पेशली जिसको मुझे तलाश थी। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक प्रॉब्लम हुई है, ये कि यहाँ दो तरफ घूमने का है, फर्स्ट दिस साइड एंड सेकंड दिस साइड। खुशी ऐसे कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं किधर जाऊँ समझ में नहीं आ रहा। इधर जाते हैं, इधर काफ़ी सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, तो पहले इधर ही घूमाते हैं। जैसे यहाँ का लाइट्स जल रहा है, ये और भी खूबसूरत होते जा रहा है।
और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट फिल्म का शूटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं रील्स वगैरह बना रहे हैं। तो इस रोड के उस पार है जहाँ पे काफी सारा खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है। तो जी अभी हैं हम वो वॉकिंग स्ट्रीट में जिसको काफी देर से मुझे इंतजार था। तो कुछ इस टाइप का नज़ारा है यहाँ, तो जो पेंटिंग्स और जो यहाँ पे लाइटिंग्स दिया गया है और एक नंबर है जी, क्या कह सकते हैं। और यहाँ पे हमारे कुछ महान लोग हैं जिनका पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है, बी गुड डू गुड। तो मैं बी गुड बनने की भी कोशिश करता हूँ जी, और काम तो अच्छे ही करता हूँ, कुछ बुरा नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमारे दीदी को ये सब करवाए हैं, और यहाँ पे और बहुत सारे हैं, सत्यनिदेला इनका नाम है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जैसे जगदीश चंद्र बोस है, हमारा सौरभ गंगोली है, कल्पना चावला है, नीरज चोपड़ा जी है। यहाँ मिलेगा अकड़ा पापड़ी चाट, तो एक पापड़ी चाट का दाम है 70 रुपया। वहाँ पे जो भैया लोग बैठे हुए हैं तो उन लोग के लिए भी कुछ फोटो शोटो ले रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ था ना बी गुड डू गुड, तो वही सोच करके हम लोगों ने कर दिया वो चीज। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो ये एक डिपार्टमेंट पीछे था और एक डिपार्टमेंट सामने है, बहुत तकलीफ होती है देखिए उन सब चीज़ों को देख करके। तो मैं लाइफ में फोकस हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ में हर चीज़ का एंजॉय लेना चाहिए, मेरा थिंकिंग अलग है। मुझे लगता है कि मैं अगर ज़िंदगी के मज़े लेने लग गया तो ज़िंदगी मेरे मज़े ले लेगी। हाँ जी, तो बात ऐसी है कि हम लोग इस वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग घूम रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी वीडियो में इतना ही, और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।